गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिबाब। आज का टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। गुड इवनिंग अमन। सर हाँ जी सर टेस्ट 19 को है अब। हाँ जी 19 को है। ओके सर। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज का टॉपिक काफी हैवी है। टॉपिक का नाम है बेटा लेजर। ये नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग की प्रोसेस का। आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर किया है तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA ने। आप लोगों ने BS पढ़ी है थोड़ी बहुत, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। यस सर। तो वहां पे ना बेटा एक डिफरेंस था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का। हम लोग अकाउंट्स की जब फील्ड देखते हैं तो अकाउंट्स की फील्ड में आप बनते हो बेटा CA, चालू आदमी, या फिर लड़कियां बन जाती हैं ज्यादातर CS, चालू स्त्री, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनीज सेक्रेटरीज। सो CA या CS जो है ये बिजनेस है बेटा, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है? सर बिजनेस। सर प्रोफेशन है। कौन कौन ये कह रहा है कि प्रोफेशन नहीं है? अगर प्रोफेशन नहीं है तो क्या है, बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है? CA एंड CS, सबको पता होनी चाहिए बेटा ये चीज। CA CS जो है ये अकाउंट्स की फील्ड में जब आप आगे जाते हो तो आप प्रोफेशनल बनते हो, प्रोफेशन होता है ये CA और CS का। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रोफेशंस जो होते हैं उनकी कोई रेगुलेटिंग बॉडी होती है, कोई एक ऐसी बॉडी होती है या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि इनके लिए रूल्स बनाता है, कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिनको सब CA और सब CS। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो CA का इंस्टीट्यूट है इंडिया में ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और CS के लिए है ICSI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सर जो आपने ऊपर डेफिनेशन लिखी है वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। हाँ जी बेटा, और वो डेफिनेशन जो है वो AICPA की है। AICPA अमेरिकन एक बॉडी है जो कि जैसे इंडिया में ICAI जो है वो CA लोगों का प्रोफेशनल बॉडी है, वैसे ही जो अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी रेगुलेटिंग बॉडी जो है वो AICPA है, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। So, आपको ये वाली डेफिनेशन जो है अपने माइंड में रखनी काफी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कवर हो रही है। अगर आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखी होगी तो वहां पे आइडेंटिफाइंग होगा, मेजरिंग होगा, रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफाइंग होगा, समराइजिंग होगा, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, ये 5 या 7 पॉइंट जो है ये एज इट इज आपके लिखे होंगे वहां पे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 1 में। अभी तक बेटा हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना।
मेजर करना सीख लिया कि अगर गुड्स बिक रहे हैं तो कितने पे रिकॉर्ड होंगे, गुड्स खरीद रहे हैं या कोई चीज खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस कैसे रिकॉर्ड वो होगा, मेजर करना हमने सीख लिया। देन हमने जर्नल भी सीख लिया विच इज रिकॉर्डिंग। आज का हमारा टॉपिक है बेटा लेजर, जो कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, और एक और टॉपिक हम करेंगे ट्रायल बैलेंस, जो कि समराइजिंग से रिलेटेड है। सो बेसिकली देयर आर सेवन स्टेप्स या सेवन पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रोसेस में है अकाउंटिंग की, उसमें से आज हम पहले पांच कवर कर लेंगे। आप लोगों ने एक डिफरेंस और पढ़ा था, वो था बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग का, अगर स्कूल में हुआ तो। सो बुक कीपिंग जो है वो जूनियर स्टाफ करता है और अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ करता है। तो आज आप जूनियर स्टाफ जो भी काम करता है वो एक्चुअल में समराइजिंग तक रिलेटेड है, तो आप जूनियर स्टाफ के इक्विवेलेंट हो जाओगे। बेसिकली आपको इतना काम आता होगा कि आप किसी कंपनी में जाके रिकॉर्डिंग का तो काम आप एटलीस्ट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक इतना ही आपके लिए। हाँ जी सर, वैसे इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग तो बेटा भी आपको पता ही नहीं है, मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि आपने अभी तक अकाउंटिंग नहीं सीखी। अभी तक आप क्या सीख रहे हो बेसिकली, कि डेली जो भी काम होते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। सो आप अभी बुक्स को मेंटेन करना सीख रहे हो। अकाउंटिंग बेटा आप सीखोगे आने वाले टॉपिक्स में, फाइनल अकाउंट्स के अंदर, जो लास्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स, उसके अंदर आप अकाउंटिंग सीखेंगे। ये है चैप्टर नंबर 20 और 21 आएगा, से 21 और 22 है। तो ये अकाउंटिंग जो है आप इस पे सीखेंगे, उससे पहले आप जो भी सीख रहे हो वो बुक कीपिंग है, बट बुक कीपिंग का मेजर काम जो है समराइजेशन तक होता है, वो आज आपका कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि मैंने लेजर स्टार्ट तो किया नहीं, इसके बारे में इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, लेजर एक्चुअली में है क्या? सो लेजर की डेफिनेशन है बेटा दैट इट इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच all the transactions of similar nature are kept under one head या one heading। इतना नोट कर लो, देन हम स्टार्ट करते हैं लेजर को। ये क्या होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा इसकी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो सिर्फ लेजर की डेफिनेशन लिखनी है कि अब बाकी अकाउंटिंग भी लिख लो बेटा, जो भी नोट करना है कर लो, बाकी मैं वीडियो फॉरवर्ड करूंगा ही। सर तो अभी हम जो भी सीख रहे हैं, हम बुककीपिंग सीख रहे हैं। हाँ जी बेटा, जर्नल जो होता है वो बुककीपिंग की प्राइमरी स्टेज होती है। जैसे कि आप जर्नल जब करते हो तो आप आइडेंटिफाई करते हो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है कौन सी नहीं करनी, अमाउंट सोचते हो कि कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है, देन आप उसे रिकॉर्ड करते हो। आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन और समराइजेशन। सर लेजर में लास्ट डेफिनेशन का लास्ट वर्ड क्या है? आर केप्ट अंडर वन हेडिंग। ओके सर। लेजर को समझने के लिए बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने उसकी जर्नल करनी है, क्वेश्चन नोट करना है और साथ साथ जर्नल करनी है।
सर हमें क्वेश्चन भी नोट करना है। हाँ जी बेटा, सर थर्ड ट्रांजैक्शन में उसने जितने का बेचा है वो 5000 का ही अमाउंट है। हाँ जी 5000 में बेचा। आई नो बेटा डाउट, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा था। आपको क्वेश्चन कंप्लीट लिखो और इसकी जर्नल एंट्रीज करके दो, ये नौ ट्रांजैक्शंस की, जल्दी से। क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। जल्दी जल्दी करो बेटा। इसके बाद आपने इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। सर एक बार ऊपर कर दो सर, थोड़ा सा सर आखिरी रह गया था। डन? Yes, sir. जल्दी yes, sir. जर्नल एंट्रीज करो जितनी भी हैं। सर हो गई जर्नल। एक बारी सारे बच्चे कर ले बेटा, देन मैं आगे करवाता हूँ। ओके सर। Done, sir. अगर किसी की जर्नल रह गई है तो वो बता दो, वरना फिर मैं नेक्स्ट काम बताऊं बेटा। लास्ट ट्रांजैक्शन पे हूं। ठीक है सर, हमने ऐसे टेबल बना के नहीं किया सर, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जर्नल करनी है बस अभी। डन सर।
किसी की रह गई है जर्नल या सबकी डन हो गई है? डन सर। डन सर। हो गई है। अब आप बेटा ऐसे अलग अलग नाम बताओ जिनके आगे अकाउंट लिखा हुआ है, ऐसे टोटल कितने नाम है अलग अलग? जैसे सबसे पहली जर्नल एंट्री में कितने नए नए नाम दिख रहे हैं आपको अकाउंट्स जिनके आगे लिखा हुआ है? सर मुकेश और अमन फर्स्ट एंट्री में, फर्स्ट में कैश और कैपिटल। हाँ तो ऐसे कर करके आपने अलग अलग नाम जिनके आगे अकाउंट लिखा हुआ है वो बताओ मुझे टोटल कितने हैं, टोटल करो जल्दी से और बताओ कितनी ऐसे नए नए नाम है जिनके आगे अकाउंट लिखा हुआ है। सर 10, मेरे तो 10 आ रहे हैं। चलो कोई और भी देख ले कितने आ रहे हैं। सर मेरे भी 10 ही आ रहे हैं। सर 10। 10 है सर। चलो मैं गिनता हूँ अब। देख रहे हो लेजर का क्वेश्चन कितना बड़ा है। हाँ जी, सबसे पहली जर्नल एंट्री है कैश टू कैपिटल, तो दो नाम हो गए। देन है फर्नीचर टू कैश, जिसमें फर्नीचर नया नाम है। देन मुकेश का नाम है, सैलरी का नाम है, रेंट का नया नाम है, ड्राइंग्स का नया नाम है, अमन का नया नाम है। अमन के बाद 10 तो नहीं आ रहे बेटा, देखना। सर मुकेश 9 आ रहे हैं। 9 आ रहे हैं। मुकेश भी तो आ रहे हैं। सर डिस्काउंट रिसीव का भी तो आ रहा है, तब भी 9 नाम बन रहे बेटा, आप लोग चेक करो जल्दी से। 9 आ रहे हैं सर। हाँ जी 9 आ रहे हैं। 9 आ रहे हैं। ये जो 9 नाम आए हैं एक एक करके, चलो एक काम करते हैं, आर्यन के 10 बन रहे हैं ना। आर्यन सबसे पहला नाम क्या बेटा? सर कैश। कैश अकाउंट, ये ध्यान दो। अब लेजर कैसे बनाते हैं, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए बेटा हर बच्चे का। लेजर में बेसिकली आपने अकाउंट बनाने हैं जिसमें से सबसे पहला नाम है कैश का अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है हमेशा और राइट हैंड साइड क्रेडिट। टोटल 3 कॉलम्स डेबिट में बनेंगे, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सॉरी मतलब डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, 3 कॉलम बन गए हमारे क्रेडिट साइड पे। पहला नाम हो गया कैश अकाउंट, दूसरा किसका था? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। इसमें अगेन डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट साइड। कैपिटल के बाद तीसरा नाम क्या है आपके पास? फर्नीचर। तो फर्नीचर, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट साइड। फर्नीचर के बाद कौन सा नाम आया आपके पास? मुकेश। सर मुकेश अकाउंट। तो मुकेशस अकाउंट। नेक्स्ट नाम कौन सा आया था? सैलरीज अकाउंट। एट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरीज अकाउंट। एट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट। सैलरीज के बाद आएगा सर रेंट है। रेंट। रेंट। रेंट के बाद है ड्राइंग। ड्राइंग।
डेबिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट। ड्रॉइंग्स के बाद कौन सा है? अमन का अकाउंट। अमन जी का अकाउंट। अमाउंट पर्टिकुलर्स डेट डेबिट। तो अभी तक जितने हो गए हैं, अभी और किस किसके बचे हैं अमन के बाद? सर डिस्काउंट रिसीव्ड बचा है बस। बस तो तुम लोग भी ऐसे ही अकाउंट बना लो बेटा जल्दी जल्दी सारे के सारे। टोटल 9 अकाउंट बन रहे हैं। ये 9 अकाउंट जो है आप लोग भी ऐसे ही एज इट इज फॉर्मेट के अंदर बना लो जल्दी से। सर एक पेज पे अकाउंट बनाए? नहीं, कैश अकाउंट को सबसे बड़ा बनाना हाफ पेज का। एक पेज पे दो या तीन बना सकते हो आप, बट पहले पेज पे सिर्फ कैश और कैपिटल होने चाहिए। सर पेज को कैसे रखना है? मतलब नॉर्मल जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं पोर्ट्रेट, उस पे लैंडस्केप पे नहीं करना। ठीक है सर। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले पेज पे सिर्फ दो अकाउंट बनाना कैश और कैपिटल, बाकी सब पे तीन तीन बना दो। तो ये होता बेटा लेजर। डन। डन हो गया बेटा? नो सर। जल्दी जल्दी बनाओ। नो सर। सो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने अपने साथ पेंसिल और स्केल लेके बैठना है, क्योंकि अब से आपके लेजर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पेंसिल स्केल की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ईशान ने आपके आने से पहले बेटा हमने कुछ करवाया नहीं था, सिर्फ लेजर की डेफिनेशन दी थी, वो मैं आपको बाद में भी समझ में आ जाएगी, उसका इश्यू नहीं है। मेन है कि हमने क्या किया अभी तक। एक क्वेश्चन दिया था, जर्नल एंट्रीज आपने की हैं, देन मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि जितने नाम आए हैं उनके इस तरीके से आपने कुछ बॉक्सेस बनाने हैं, इन्हें अकाउंट कहा जाता है। टोटल 9 अलग अलग नाम थे, तो हमने उन 9 नामों के हिसाब से अलग अलग अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं, इसे लेजर कहते हैं। सबसे पहले कैश था, फिर कैपिटल था, तीसरा आई गेस फर्नीचर था ना।
then Mukesh, then salaries, rent, drawings, Aman और discount का. सर डेट का कॉलम जो है वो थोड़ा छोटा बनाना है. कैसा भी बना लो छोटा ही होना चाहिए, पर्टिकुलर्स बड़ा होना चाहिए बस, क्योंकि पर्टिकुलर के अंदर हमने कुछ लिखना होता है. आज ट्यूसडे है, थर्सडे को मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का ऑफ रहेगा क्योंकि होमवर्क काफी ज्यादा होगा और फ्राइडे को आई गेस टेस्ट भी है. तो थर्सडे को मेरी साइड से ऑफ होगा क्योंकि लेजर आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपकी प्रैक्टिस बचेगी सर. और इसका एक क्वेश्चन करने में अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट्स लगेंगे आपको, और ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे एटलीस्ट. बना लिए 9 अकाउंट सारे के सारे? बन गए सर. किसी के रह गए हैं? सर हर एक अकाउंट में कितने लाइंस होनी चाहिए? अभी ना बेटा, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा, बट ये ध्यान रखो कैश और बैंक ये दो अकाउंट सबसे बड़े होते हैं. ये ऑलमोस्ट हाफ पेज का होगा आपका एक अकाउंट, कैश और बैंक का. हमारे क्वेश्चन में बैंक था नहीं तो इसलिए हमने बनाया नहीं. अदरवाइज अगर बैंक हो और कैश हो तो कैश का सबसे बड़ा अकाउंट, देन उससे थोड़ा छोटा 3 या 4 लाइन छोटा बैंक, एंड देन बाकी सारों में आप 6-7 लाइन छोड़ दो बहुत है. Answer. करें स्टार्ट अब आप अपने रजिस्टर और पेन को छोड़ दो, कुछ नहीं करना आपने, आपने सिर्फ मेरे को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं. बट सबके अकाउंट्स बन जाने चाहिए अभी तक. अगर किसी का रह गया तो वो हैंड रेस कर दे बेटा, हम वेट कर लेते हैं. सर मेरा रह गया. कहां तक पहुंच गए हो बेटा? सर बस एक ही बचा वो बना. ठीक है सर, टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का. अभी तो है 8 मिनट, हो जाएगा तब तक. सर हो गया. किसी और का रह गया? ईशान्य के बन गए सारे अकाउंट्स? हर्ष, केशव, खुशी, सबके बन गए अकाउंट्स? सर बन गए. यस सर. ईशान्य बेटा आपने अकाउंट्स बना लिए 9 जो हमने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं सारे के सारे? कितने बचे हैं बेटा, कहाँ तक आ गए हो आप? जल्दी जल्दी करो, हम वेट कर रहे हैं. साइबा के बन गए हैं सारे अकाउंट्स? यस सर.
कोई निशान है, आप बना लो, हम वेट कर रहे हैं। So we have 5 minutes only, आप एक बारी बेटा सारे reconnect करो जल्दी से, then हम ledger को start करते हैं solve करना।